हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, लंबी दूरी की यात्रा तय करने के लिए हम अक्सर ट्रेन से सफ़र किया करते हैं। ट्रेन में डिफरेंट टाइप्स के कोचेस होते हैं, जैसे कि जनरल क्लास हो गए, स्लीपर क्लास हो गए, थर्ड एसी हो गए, थर्ड एसी इकोनॉमी हो गया, सेकेंड एसी हो गया और फर्स्ट एसी हो गया। तो यात्री एक साथ सारे कोचेस का लुफ्त नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, सारे कोचेस में डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रेन्स में फर्स्ट एसी और स्लीपर क्लास में क्या सुविधाएं मिलती है और इनमें क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और ये वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, फर्स्ट एसी इंडियन रेलवेज़ का बेस्ट कोच माना जाता है। इसमें आधुनिक सुविधाएँ यात्रियों को दी जाती है। दोस्तों, जहाँ तक सुविधाओं की बात करें, फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी में दोनों में अलग अलग तरह की सुविधाएं पैसेंजर्स को मिलती है और अंतर की बात करें दोनों में काफ़ी अंतर है। जहाँ पे हम फर्स्ट एसी में आपको बता दें, फर्स्ट एसी में एक कैबिन होता है जिसमें चार सीट्स रहते हैं और कैबिन को हम लॉक कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात आप स्लीपर क्लास की करें तो स्लीपर क्लास में एक कैबिन जो होता है वहाँ पे छः सीट्स होते हैं, जैसे लोअर, मिडल, अपर और उसके ऑपोजिट लोअर, मिडल, अपर। और स्लीपर क्लास के कैबिन को हम लॉक नहीं कर सकते, उसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं रहता है, इसमें प्राइवेसी मेंटेन नहीं होती है। और साइड में आपको स्लीपर क्लास में दो सीट्स मिल जाएंगे, लोअर और साइड लोअर और साइड अपर। स्लीपर क्लास के कोचेस में एसी नहीं होता है, ये कोचेस बिना एसी के होते हैं और इसमें एक विंडो दिया गया है। दोस्तों, वहीं पे अगर हम फर्स्ट एसी की बात करें तो फर्स्ट एसी के पूरा कोच वातानुकूलित होता है, ये एयर कंडीशंस होता है। जहाँ तक कि कैबिन है, कैबिन में चार पैसेंजर ट्रैवल करते हैं और अपर बर्थ, जो लोअर बर्थ अपर बर्थ रहता है, अपर बर्थ पे जाने के लिए एक सीढ़ी दी गई है, वो सीढ़ी से पे चढ़ के पैसेंजर अपर बर्थ में जा सकते हैं। और एक पैसेज होता है, पैसेज के जरिए पैसेंजर कैबिन में जाते हैं अपने। यहाँ पे साइड लोअर और साइड अपर का सीट्स नहीं होता है फर्स्ट एसी में, जैसे कि हमने स्लीपर क्लास में देखा कि स्लीपर क्लास में साइड लोअर और साइड अपर बर्थ भी होता है। फर्स्ट एसी में दो टाइप के सीट्स होते हैं, जैसे कि एक कैबिन हो गया और एक कूप हो गया। कैबिन के बारे में हमने आपको बता दिया, तो चलिए अब हम कूप के बारे में आपको बताते हैं। कूप में क्या है कि टोटल दो सीट्स होते हैं, लोअर बर्थ हो गया और अपर बर्थ हो गया। इसमें आपको दरवाज़ा रहता है, ये मेन प्राइवेसी के लिए बेस्ट है। ये वीडियो में आप कूप देख सकते हैं। कपल्स के लिए कूप बेस्ट माना जाता है ट्रैवल के लिए, यहाँ पर आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। और यहाँ पे चार्जिंग की बात करें तो आपको मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। लगेज आप सीट के नीचे रख सकते हैं, लोअर सीट के नीचे, और एक टेबल दिया गया है फर्स्ट एसी के पैसेंजर को जिस पे आप अपना खाना रख के खा सकते हैं। फर्स्ट एसी में आपको कंबल, चादर, तकिया, बेडशीट, ये सब ट्रैवल के दौरान मिलता है रेलवे के द्वारा। और वहीं पे एक बेल दिया गया है फर्स्ट एसी पैसेंजर्स को, आप वो बेल को दबा के जो भी कोच अटेंडेंट है उनको बुला सकते हैं और जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट रहेगी आपको आप उनसे ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें स्लीपर क्लास में, स्लीपर क्लास में चादर, कंबल, बेडशीट, तकिया ये सब नहीं दिया जाता है और इसमें पैसेंजर के पास बेल की भी सुविधा नहीं दी जाती है। स्लीपर क्लास के कोचेस जो होते हैं आपको प्रीमियम ट्रेन्स में नहीं मिलेंगी, जैसे कि राजधानी हो गए, शताब्दी हो गए, वंदे भारत ट्रेन्स हो गई, तेजस एक्सप्रेस हो गई, ये सब ट्रेन्स में आपको स्लीपर क्लास के कोचेस नहीं रहते। जहाँ तक बात करें फर्स्ट एसी में, फर्स्ट एसी में आपको नहाने के लिए वॉशरूम की सुविधा दी गई है, वहाँ पे पैसेंजर जाके स्नान कर सकते हैं ट्रैवल के दौरान। और वहीं पे स्लीपर क्लास की बात करें तो स्लीपर क्लास में नहाने की व्यवस्था नहीं दी गई है पैसेंजर्स को। और वहीं पे दोस्तों, अगर किराए की बात करें तो स्लीपर क्लास का किराया कम रहता है और फर्स्ट एसी का किराया ज़्यादा रहता है, तो दोनों के किराए में बहुत अंतर रहता है। स्लीपर क्लास में आम पब्लिक आराम से ट्रैवल कर सकती है कम कॉस्ट में, और फर्स्ट एसी में ज़्यादा किराया देना पड़ता है पैसेंजर्स को और उस हिसाब से उनको फैसिलिटीज़ भी दिया जाता है। अगर आप प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी हो गए, दुरंतो हो गए, तेजस एक्सप्रेस हो गए, वंदे भारत हो गए, ये सब ट्रेन्स में अगर आप फर्स्ट क्लास में अगर ट्रैवल करते हैं तो आपको जो फूड है
इन हाउस पेंट्री से मिलता है, जिसको आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो जो टिकट प्राइस में ही इंक्लूड रहता है फूड का पैसा। तो आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स सब टाइम टू टाइम मिलता जाता है। अगर आपको फर्स्ट एसी या फिर स्लीपर क्लास का टिकट बुक करना हो तो आप IRCTC के वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हैं, या फिर स्टेशन पर जाके टिकट काउंटर है वहाँ से जाके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। स्लीपर क्लास के कोचेस में भी पैसेंजर्स को मोबाइल, लैपटॉप ये सब चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दिया जाता है, और सीट के नीचे वो अपना लगेज रख सकते हैं, जैसे कि लोअर सीट और साइड लोअर सीट्स के नीचे अपना लगेज रख के ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रैवल के दौरान स्लीपर क्लास में अक्सर आपने देखा होगा कि उसमें काफ़ी भीड़ रहती है, लोकल पैसेंजर्स भी आकर स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं, और उसमें इवन विदाउट टिकट वाले भी आ जाते हैं, वेटिंग क्लास वाले भी टिकट ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए स्लीपर क्लास में बहुत भीड़ हो जाती है। और वहीं बात करें दोस्तों फर्स्ट एसी में वेटिंग वालों को भी अलाउड नहीं है, बिना टिकट का फर्स्ट एसी में कोई घुस भी नहीं सकता है, और जो भीड़ फर्स्ट एसी में बिल्कुल नहीं रहती है, जिसके पास कंफर्म टिकट है वही फर्स्ट एसी कोचेस में ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक ये खास बेनिफिट है फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का। अगर आपने कभी फर्स्ट एसी में या फिर स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर हम टिकट अवेलेबिलिटी की बात करें तो स्लीपर क्लास का टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर सीजन्स में छुट्टियों के मौसम में अगर आपको सफ़र करना हो तो उस टाइम पे स्लीपर क्लास में टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है, बुकिंग के टाइम में ही टिकट फुल हो जाता है। और फर्स्ट एसी की बात करें तो फर्स्ट एसी का टिकट जो कि मिल जाता है, उतना मुश्किल नहीं होता जैसे स्लीपर क्लास का है फर्स्ट एसी का टिकट मिलने में। आपको ट्रेन्स में स्लीपर क्लास के 11-12 कोचेस मिल जाएंगे, और वहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट एसी की तो ट्रेन्स में फर्स्ट एसी के सिर्फ एक ही कोचेस होते हैं, और वो भी कूप, कैबिन इस टाइप के। फर्स्ट एसी में जो कोचेस की साफ़ सफाई होती है बहुत ही अच्छे से मेंटेन की जाती है, जो क्लीनिंग स्टाफ है वो रेगुलर इंटरवल्स पे आके कोचेस की सफाई किया करते हैं, और फर्स्ट एसी कोचेस में आपको कोच अटेंडेंट मिलते हैं। और वहीं पे बात करें अगर स्लीपर क्लास की तो स्लीपर क्लास में भी साफ़ सफाई रखी जाती है, और कोचेस में जो कोच अटेंडेंट स्लीपर क्लास में नहीं होते हैं। अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन्स में फर्स्ट एसी और स्लीपर या स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप केटरिंग जो रहता है, पेंट्री कार रहता है ट्रेन्स में, वहाँ से आप फूड लेके खाना लेके खा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन खाना मांग के खा सकते हैं। ट्रेन में आपके सुरक्षा का भी अच्छा ध्यान दिया जाता है रेलवे द्वारा, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो ट्रेन्स में राउंड लगाते रहते हैं। स्लीपर क्लास में एक चीज़ क्या देखा जाता है कि बाहर के जो वेंडर्स होते हैं वो कोचेस में आके अपना सामान बेचते हैं, और वहीं पे फर्स्ट एसी में उन लोगों को अलाउड नहीं है, बाहर का कोई भी वेंडर फर्स्ट एसी में आके अपना सामान नहीं बेच सकता है। तो दोस्तों, ये सारी सुविधाएं फर्स्ट एसी और स्लीपर क्लास के पैसेंजर्स को मिलती है, और ये दोनों क्लास में अंतर क्या है ये सब हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।